भारत की संसद लोकसभा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। हमने लोकसभा के वेबसाइट से ये जानकारी प्राप्त किए हैं और ये ऑथेंटिक जानकारी है, जिसमें से आप सरकारी दस्तावेज के रूप में इसका जानकारी को सही मान सकते हैं। लोकसभा के परिचय हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा की जो स्ट्रक्चर है, लोकसभा के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के जनप्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे, इस बात को जो है सुनिश्चित किया गया है संविधान के अंतर्गत। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जनप्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता के प्रतिनिधियों से लोकसभा का गठन होता है। जो संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और 530 सदस्य, 29 राज्य, साथ ही साथ 7 केंद्र शासित राज्यों से 20 सदस्य आ सकते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इस तरह से जो सदस्यता है, निर्वाचित सदस्यता है, राज्यों में वितरित की गई है कि राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और साथ ही साथ राज्य की जनसंख्या के मध्य में एक अनुपात बनाया गया है, ताकि किसी राज्य में कम या ज़्यादा ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। उसी के तहत जो है संविधान में इस तरह की व्यवस्था दी गई है, हमें इसे याद रखना है। दलवार सदस्यों की संख्या का एनालिसिस करते हैं तो ज्ञात होता है कि लोकसभा जो निचला सदन है, इसमें बीजेपी को 50.83% सदस्यों की संख्या है, अर्थात 274 सीट बीजेपी के पास में मौजूद है। 1974 के बाद गैर कांग्रेसी पार्टी को इतनी बड़ी सीट जनता ने लोकसभा को भेजी है, जो 274 सीट्स पूर्ण बहुमत से भी अत्यधिक है। यह बड़ी पार्टी है बीजेपी। दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 8.91% उनके सदस्य लोकसभा में बैठते हैं, अर्थात कांग्रेस के पास में केवल 48 सीट मौजूद है, जो 1950 से लेकर
2014 के पूर्व तक कांग्रेस पार्टी एक तरफा राज करती आ रही थी, जो 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में केवल 48 सीट से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा है। यदि हम तीसरी पार्टी के रूप में लें तो यहाँ पर देखते हैं AIADMK, जो जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको संक्षिप्त में अन्ना द्रमुक के नाम से जानते हैं। यह तमिलनाडु और पुडुचेरी का एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में M.G. रामचंद्रन द्वारा किया गया था। ये पार्टी द्रमुक पार्टी से विभक्त होकर बना था। वर्तमान समय में 37 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, यानी 6.86% के साथ तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अपना पहचान बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर 6.31% के प्रतिनिधित्व के साथ AITC पार्टी 34 सीट के साथ चौथा नंबर पर है। ये AITC का मतलब होता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे संक्षिप्त में तृणमूल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी। यह पश्चिम बंगाल का एक राजनीतिक दल है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से पृथक होकर 1999 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी फॉर्मेशन किया था। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद होनी चाहिए कि 2016 में भारत का निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान किया है AITC को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को।